है हम जो है अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा। ये पहला पेपर है तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चिड़िया टापू कहाँ पे स्थित है। चिड़िया टापू कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन डी सी अंडमान निकोबार और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये है अंडमान निकोबार। चिड़िया टापू जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सोंगमो और गुरुंडगो मार झील किस राज्य में स्थित है? तो सोंगमो और गुरुंडगो मार झील जो है ये किसमें है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ये जो है सिक्किम में है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये स्थित है सिक्किम में, इसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि रंगीत किस नदी की सहायक नदी है? ये जो रंगीत नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी लोहित, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन सी तीस्ता। तो देखिए ये तीस्ता नदी की सहायक है और रंगीत नदी भी जो है सिक्किम से निकलती है, बंगाल में आकर के तीस्ता नदी में मिल जाती है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि डकन पैसेज किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए मिनिकाय और अमनद्वीप, ऑप्शन बी मिनिकाय और मालदीप, ऑप्शन सी लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ऑप्शन डी दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है कि लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में। ठीक है, पूरब का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? और अगला प्रश्न है ऑप्शन ए शिलांग, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी इम्फाल। तो देखिए ये जो मेघालय की राजधानी है शिलांग, इसको ही पूरब का स्कॉटलैंड बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि नोकरेक पीक किस पहाड़ी की चोटी है? नोकरेक पीक जो है किस पहाड़ी की चोटी है? ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी जयंतिया और ऑप्शन डी लुसाई। तो ये जो है नोकरेक पीक जो है ये गारो पहाड़ी की चोटी है। ठीक है ना, नोकरेक पीक गारो पहाड़ी की चोटी है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मासिन राम किस पहाड़ी पर है? मासिन राम किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी खांसी, ऑप्शन सी जयंतिया, ऑप्शन डी लुसाई। तो मासिन राम जो है ये खांसी पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? खांसी पहाड़ी पर है। गारो, खांसी, जयंतिया ये सारी पहाड़ियां जो है मेघालय में है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मणिपुर राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्यों के साथ लगती है? तो मणिपुर राज्य की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? ऑप्शन ए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ऑप्शन बी असम, मेघालय, नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, ऑप्शन डी मिजोरम, असम, नागालैंड। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर है डी, ऑप्शन डी मिजोरम, असम और नागालैंड। ठीक है, इसी से जो है मणिपुर की सीमा लगती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि लोकटक झील, ये जो है लोकटक नहीं है, लोकटक है ये, लोकटक, लोकटक, लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो ये जो है मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें, भारत की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है। बिल्कुल सही है। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये दोनों सही है, यानी इसका सही आंसर हो गया एक और दो। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों को उनके लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे छोटी नदी कौन है, उसके बाद बड़ी नदी कौन है और उसके बाद जो है सबसे बड़ी नदी इसमें कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ऑप्शन सी महानदी, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, ऑप्शन डी महानदी, गोदावरी, नर्मदा और गंगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, यानी क्या महानदी, गोदावरी, नर्मदा और गंगा, ये बढ़ते क्रम में इन नदियों का ये क्रम है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ऑप्शन सी मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और ऑप्शन डी असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो सही आंसर क्या हो गया?
ए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि जूको घाटी किस राज्य में स्थित है। जूको घाटी किस राज्य में स्थित है, तो जूको घाटी जो है ये स्थित है कहां पे, ये है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। जूको घाटी कहां पे, नागालैंड और मणिपुर, तो ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो देखिए अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है टोटल 8। और इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि ननकुन पर्वत पुंज कहां पे स्थित है। तो ननकुन पर्वत पुंज जो है ये स्थित है कहां पे, ये स्थित है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ये जो है ये स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में। ये ननकुन पर्वत पुंज जो है स्थित है कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि रियो पुर्जिल किस रेंज की पर्वत चोटी है। रियो पुर्जिल जो है किस पर्वत रेंज की चोटी है, ये ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या है कि रियो पुर्जिल चेन किसकी, धौलाधर की, जास्कर की, पीर पंजाल की या काराकोरम की। तो ये जो है ये पीर पंजाल की चोटी है। किसकी है, पीर पंजाल की चोटी है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। शारदा सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है। तो शारदा सागर जलाशय जो है किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में और ऑप्शन डी जो दिया है, ऑप्शन डी है पंजाब। तो देखिए ये शारदा सागर जलाशय जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, इसको याद कर लेना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न कौन की आयु के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हिमालय बिंद पश्चिमी घाट दक्कन ट्राइब, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट दक्कन ट्राइब हिमालय बिंद, ऑप्शन सी हिमालय बिंद दक्कन ट्राइब पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी दक्कन ट्राइब हिमालय बिंद पश्चिमी घाट। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है हिमालय बिंद पश्चिमी घाट और दक्कन ट्राइब, यानी इसका सही आंसर है ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मिसमी हिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो मिसमी हिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि पवन द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो पवन द्वीप जो है ये ऑप्शन ए है आपका केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो पवन द्वीप जो है ये है आपके तमिलनाडु में। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंद पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत है, सही है। हिमालय एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, यह भी सही है, यानी एक और दो दोनों सही है। इस प्रकार से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। अरावली पर्वतमाला का विस्तार पश्चिम में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर में दिल्ली तक है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन दूसरा, अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है, ये सही है। यानी इस तरह से आपका केवल दो सही है, एक क्या है, गलत है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि निम्न कथनों पर विचार करें। सेवाराय हिल्स, नालामलाई हिल्स, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन और दूसरा है, दूसरा ये दिया हुआ है कि कोडाई कनाल हिल स्टेशन अनामलाई पर्वत पर है। ठीक, तो इसमें क्या सही है, तो देखिए इसमें दोनों गलत है, न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि नीति पास और लिपु लेक उत्तराखंड में है। दूसरा, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। तो देखिए ये दोनों सही है, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। तो इस प्रकार से
आपका सी ऑप्शन जो है यहां पे क्या हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें, गंगा के मैदान में पाए जाने वाले नए जड़ों निक्षेप भावर कहलाते हैं। और दूसरा है कि नियोरा घाटी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो गंगा के मैदान में पाए जाने वाले नए जलोढ़ होते हैं, इनको भावर नहीं कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, खादर बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और नियोरा घाटी कहां पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये सही है, यानी इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों को पश्चिम से पूरब की ओर आने के क्रम में व्यवस्थित करें, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और धौलाधर। तो इसमें क्या हो गया, इसमें होगा आपका कि नंबर एक पर, नंबर एक पर हम किसको रखेंगे, तो नंबर एक पर रखेंगे यानी नंदा देवी को। नंदा देवी के बाद फिर हम किसको रखेंगे, नंदा देवी के बाद हमारा आ जाएगा धौलाधर, और धौलाधर के बाद फिर कौन सा आएगा, धौलाधर के बाद माउंट एवरेस्ट और उसके बाद कंचनजंगा, यानी आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें, उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को व्यवस्थित करना है। इसमें क्या है, नलामलाई हिल्स, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा, तो सही आंसर होगा हमारा डी, यानी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी क्रम से ही है। ठीक, तो आपका यह डी ऑप्शन हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नर्मदा और तापी के ट्रफ विंध्य और सतपुड़ पर्वतमाला के बीच आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मालवा का पठार विंध्य कवाड़ पर हावी है, जो पठार के उत्तरी कोने का निर्माण करता है, यह भी सही है, यानी हमारा सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें, भारत के पूर्वी तट में प्रमुख नदियों के सुव्यवस्थित डेल्टाओं के साथ एक विस्तृत मैदान है। ठीक, दूसरा है कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों में एक जैसी जलोढ़ विशेषताएं हैं, तो इसमें से आपके कौन से जो है सही हो जाएंगे, तो सही होगा केवल एक, यानी क्या है कि जो ये पश्चिमी और पूर्वी तट एक जैसे नहीं है, ये क्या है, ये अलग अलग हैं। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, शिपलिका तथा सतलुज घाटी में स्थित है, शिपकिला सतलुज घाटी में स्थित है, और दूसरा है बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है कि आपके ये दोनों सही है, यानी शिपकिला सतजुल घाटी में है और बारालाचा पास जो है हिमाचल में है। तो इस प्रकार से आपका यह सही आंसर हो जाएगा सी। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हिमालय शिवालिक हिमालय पर्वतमाला की तलहटी है, शिवालिक हिमालय पर्वतमाला की तलहटी है, पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक, तो यह देखिए, ये दोनों सही है, यानी शिवालिक जो है हिमालय पर्वतमाला की जो निचली एकदम बिल्कुल नीचे की श्रेणी है, उसी को शिवालिक कहते हैं, और पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ये एक धरा है। तो ये दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न कथनों पर विचार करें, गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, अगला है कि डोडा बेटा चोटी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा दोनों सही है कि गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, जबकि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुंडी है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये सही हो गया, एक और दो दोनों। ठीक,
चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं लेकिन उनके जलवायु अंतर का कारण है। ऑप्शन ए उनकी ऊंचाई में अंतर, ऑप्शन बी समुद्र से उनकी दूरी, ऑप्शन सी शिमला में बर्फबारी, ऑप्शन डी अमृतसर में प्रदूषण। ये सही आंसर है इसका क्या, उनकी ऊंचाई में अंतर है। है तो अक्षांश पर एक ही लेकिन शिमला की ऊंचाई अमृतसर की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इनके जलवायु में अंतर हो जाता है। वहां ठंड ज्यादा होती है लेकिन यहां उतनी ठंड नहीं पड़ती। भारत में सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है, तो भारत में सबसे बड़ी तटरेखा ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये ऑप्शन ए यानी गुजरात सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, लक्षद्वीप ए लक्षद्वीप की महाद्वीपी अलमारिया प्रवाल भीतियों के कारण उत्पन्न हुई है। बिल्कुल सही, ये पूरी की पूरी प्रवाल भीति पर ही लक्षद्वीप स्थित है। पश्चिम तट की महाद्वीपी अलमारिया भ्रंश और जलमग्न होने के कारण है। ठीक, तो अब ये देख लीजिए कि ये जो है आपके जो जो दोनों ऑप्शन ये दिए गए हैं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी सही है यानी ए भी सही है इसका और दो भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से और मणिपुर से। तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, तो देखिए ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक, अन्य सभी राज्यों से गुजरती है। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित शहरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे निकट है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो देखिए जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है वह कौन सा शहर है, तो यह शहर है हमारा कोलकाता। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल कितने विदेशी देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल के सीमा पे कौन कौन से हैं, एक ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो देखिए पश्चिम बंगाल के जो सीमा पे जो विदेशी राज्य हैं वो क्या हैं, तीन हैं। और तीन कौन कौन से हो गए, इधर नेपाल है, उधर भूटान है, ये भूटान है और क्या है, बांग्लादेश है। तो ये तीन देश हैं जिससे कि पश्चिम बंगाल की सीमा बनती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अभी तक जो है ये प्रश्न थे हमारे ज्योग्राफी से यानी भूगोल से संबंधित प्रश्नों का ये सीरीज था। अब हम चलते हैं इतिहास के कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। अब देखिए इतिहास के ये प्रश्न हैं कि, और हाँ एक बात और है कि यदि आप लोगों को ये हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा जिससे कि हम और पेपर जो है आप लोगों को लेकर के आए और अच्छे क्वेश्चन भी लेकर के आए जिससे आपके एग्जाम में आपको लाभ हो सके। ठीक है, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा वासियों ने ताड़पत्री पंडलिपियों में अपनी आधिकारिक कार्यों को बनाए रखा जाए जो जैविक साक्ष्य के अधीन है। देखिए हड़प्पा में जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं लिपि के, वहां ताड़पत्रों पर नहीं मिले, वहां पे किस पे मिले हैं, वहां पे मिले हैं उनके मुहरों पे, उनके बर्तनों पे। खुदाई में हड़प्पा वासियों ने निम्नलिखित लिपियां प्राप्त हुई है, बिल्कुल लिपि तो प्राप्त हुई लेकिन हम पढ़े नहीं, तो इसलिए एक गलत है, दूसरा क्या है, सही है। यानी ऑप्शन जो है हमारा बी सही है, क्या सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है और दूसरे पर लिखा है कि यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशो उपनिषद है। ठीक, तो बिल्कुल सही, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है और
यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है ईशो उपनिषद है, तो ईशो उपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, यानी दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काठक संहिता शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। काठक संहिता किसकी शाखा है? शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, बिल्कुल सही है। अगला है कि मैत्री संहिता शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, नहीं, ये मैत्रेयी संहिता जो है शुक्ल यजुर्वेद की नहीं है, ये किसकी है? ये कृष्ण यजुर्वेद की है, तो इसलिए ये गलत हो गया, यानी सही हो गया हमारा क्या? केवल और केवल एक, केवल एक सही हो गया है। ठीक है, तो ये केवल एक सही है। हम फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं, कौमुद सामवेद की शाखा है, क्या है? कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है किसमें लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही। और कौमुद किसकी शाखा है? ये जो है सामवेद की शाखा है, ये भी सही है, यानी ये ऑप्शन जो है एक और दो दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित पर विचार करें, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, चूंकि सुन सुन करके ही आगे इसकी प्रक्रिया को बढ़ाई गई थी, इसलिए वेदों को क्या कहा गया? श्रुति कहा गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपाय वेद व्यास ने किया था, यह भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा एक और दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, छंद सूत्र के रचयिता कौन है? तो छंद सूत्र के रचयिता जो है इसमें लिखा है कि यास कहें, नहीं गलत है। निरुक्त के रचयिता आचार्य पिंगल हैं, यह भी गलत है। तो ये कौन से सही हो गया आपके आंसर? ऑप्शन न तो एक और न तो दो सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि थेर गाथा में भिक्षुओं और भिक्षुणियों की कथाएं संग्रहित है। थेर गाथा में भिक्षुओं और भिक्षुणियों की कथाएं संग्रहित है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला है कि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है, यह भी सही है। यानी इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन क्या है? सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, चूंकि क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी तेजी से चल रहा हूं, बहुत सारी व्याख्या नहीं बता पा रहा हूं, जिससे कि क्या होगा कि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग जो है प्रश्न पे बने रहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें, मालविकाग्र मित्रम नाटक कालिदास द्वारा रचित है। ठीक, मुद्रा राक्षस नाटक बाण भट्ट द्वारा रचित है। तो मालविकाग्र मित्र जो है ये किसके द्वारा रची गई है? ये कालिदास की रचना है, लेकिन जो मुद्रा राक्षस है ये बाण भट्ट की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस जो है ये बाण भट्ट की रचना नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा? केवल एक सही हुआ, बी गलत हो गया। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राज तरंगड़ी संस्कृत भाषा में कश्मीर का इतिहास है, बिल्कुल सही। राज तरंगड़ी में कुल कितने जो तरंग, ये कह रहा है कि राज तरंगड़ी में कुल 10 तरंग है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है, राज तरंगड़ी में 10 तरंग नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि हमारा केवल एक सही है और दूसरा गलत है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे 50 क्वेश्चन फिर हम दूसरे वीडियो में लाएंगे, जिससे कि ये हमारी वीडियो लंबी ना हो सके। तब तक हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लाता रहूं। धन्यवाद। बंद कर।